everyone, welcome back to my YouTube channel Bonus Vlogs. तो गाइस हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर, अब हम को जाके चढ़ाई भी करनी है। यहाँ हम रिक्शे में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती। रिक्शे में हमको बहुत मजा आ रहा है, सामान लगा रहे हैं, टाइम बाद बैठे रिक्शे में। यहाँ नेट भी फिर भी लाइव आ जा रहा है, किसी का उधार नेट मांग मांग के लाइव आ रहा है। यहाँ पे बताई हुई मतलब कितने मंदिर बताए थे, 4000। यहाँ पे भैया ने बताए थे कि इतने मंदिर है ना, अगर तुम एक साल भी लगातार मंदिर घूम लोगे ना तब भी तुम खत्म नहीं हो पाएंगे मंदिर, इतने मंदिर है। तो गाइस वैष्णो देवी जाते फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखो कितना प्यारा है, रंग बिरंगा मंदिर का नाम है, इतने मंदिर है, इतने मंदिर है। बस अगर अगर कोई अपनी गाय को रोटी वोटी देना चाहता तो यहाँ दे सकता है, यहाँ बहुत सारी गाय है। गाय को साथ लेके आए, गौ माता को, कान्हा जी की गाय को, गाय आज मैं तुम्हें बताता हूँ जिसे ना पता, हमें भी यहाँ का पता लगे, कृष्ण जी की 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय, 9 लाख गाय चल रही है। और ये निशी और ये उसका नोना भी हमारे साथ है, कोई यूँ नहीं कह सकता ये नोना साथ है। ये है कमल मंदिर, ये हमारे यहाँ पे भी दिल्ली में भी है, हमारे लोटस टेम्पल सेम प्राइस हो रहा है। वैष्णो देवी मंदिर गाइस आ गए हैं, और हमने क्या क्या लिया, ये श्रृंगार माता का और माला, और माला वाला। तो गाइस चलो एंट्री करते हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर में। शूज रखने के लिए स्पेस है, लॉकर्स वगैरह, यहाँ से एंट्री करते हैं। और वहाँ पे कितनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है वो तो आपको पहले भी दिखाया, बाकी अभी पास से भी दिखाएंगे गाइस। गाइस देखो ये पत्थरों की शेप किस टाइप की है, तो फव्वारा। और ये यहाँ से वेटू मंदिर और सीढ़ियाँ देखो। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं और यहाँ कितनी हरी हरी मूर्ति है, और यार ये स्ट्रक्चर कितना प्यारा बना हुआ है ना इसका। जय माता दी गाइस, जय माता दी। एंड ये देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा है यार, यार ये तो और अच्छा है। और निशी ये देख गाइस, देखो यार मतलब बनाने वाले ने सही चीज बनाई है गाइस, देखो देखो। कृपया सिक्के और फूल यमुना जी में ना डालें गाइस, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, रुको गाइस ये देखो यहाँ से कितना प्यारा है ना, मैंने बनवाया है, टर्टल के मुंह से पानी आ रहा है देखो, मैंने बनवाया ये सब गाइस। ये देखो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर ये पत्थरों का क्यों है। और गाइस ये यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए माँ के दरबार के सम्मुख मन्नत का धागा बांधे गाइस, देखो तो गाइस ये मन्नत का धागा बांध रही है, उसको पता नहीं क्या चाहिए। गाइस ये देखो वाओ यार, क्या चीज चल मैंने एक चीज दिखाऊंगी,
तो गाइस अब यहाँ पे हम सब गए थे माँ वैष्णो देवी के मंदिर में, तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी और सब मूर्तियों पे लिखा था कृपया मूर्ति को हाथ ना लगाएं। और फिर यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी लाइन टू लाइन, मतलब ऐसे ही चल रही थी यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर बनी हुई थी। तो अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ सारी, आप देखते हुए चलना। बहुत ही प्यारा जिसने भी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाई थी गाइस। देखो बाकी आपको कौन सी वाली, मुझे तो सभी बहुत पसंद आई थी और बाकी जो ड्रॉ करी थी। एंड गाइस वीडियो में फिर भी पता लग जाता है इतना, बट अगर आप इसे सामने से देखते ना तो गाइस सामने से इतना ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा था ना ये, कि आप लोग बस, मैं आप लोग भी अगर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना रियल लगता है सामने से, बट वीडियो में थोड़ा पता लगता है, बट सामने से तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रहा था ये सब। बाकी आप देखो आगे, मैंने बहुत सारी दिखाई थी, मतलब पूरे ये बहुत बड़ा मंदिर था गाइज़, और इतनी साफ़ सफाई थी अंदर पूछो मत, और इतना बड़ा मंदिर था और पूरे में ही गाइज़ लगा हुआ था। यहाँ पे प्रेरण और जीजू वीडियोस बना रहे थे और ये बाहर का रास्ता था, और यहाँ पे कुछ गायें खड़ी हुई थी, मतलब गौशाला थी यहाँ पे, और कुछ गाय अंदर थी वैसे तो, बट ये कुछ गायें बाहर खड़ी हुई थी। बाकी गाइज़ मूर्तियाँ बनी हुई थी, ज़्यादातर तो मूर्तियाँ बनी हुई थी, पर कुछ कुछ जगह पर ऐसे तस्वीरें भी लगाई हुई थी जैसे ये लगी हुई हैं, तो कुछ कुछ जगह पे तस्वीरें थी और कुछ कुछ जगह पे मूर्तियाँ बनी हुई थी। बाकी ये शेर का सिंबल तो हर जगह पे बना हुआ था। बाकी आपको अब देखो मूर्तियाँ फिर से आनी शुरू हो गई, आपको कैसा लगा ये सब कमेंट करके आप लोग बताना। और ये वाली फ़ोटो तो गाइस पूछो मत, बस बहुत प्यारी है। आगे ये गाइस शिव जी की है गाइज़, और ये मैं चारों तरफ घूम के मैंने ये वाली वीडियो शूट करी थी, क्योंकि चारों तरफ ही ऐसे गोल चक्कर टाइप में ये बना हुआ था। और गाइज़ लाइटिंग देखो, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा थी और लाइटिंग बहुत प्यारी थी यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा था गाइज़। तो अब हम आ गए बाहर, एंड ये गंगा जी, वो यमुना जी थी, गंगा जी है। तो गाइज़ फिर यहाँ पे एक गुफा थी जो यहाँ से, मतलब इस साइड जो अभी ये दिख रही है यहाँ से एंट्री करनी थी, एंड दूसरी साइड से एग्ज़िट था। और गाइज़ हम लोग चले गए थे इसके अंदर बहुत, और नीचे यहाँ पे पानी था गाइज़, और पानी में चल के जाना था। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी गुफा थी, मतलब बहुत लंबी थी, और ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक तो अंदर इसमें कलरफुल लाइट्स चल रही थी, और यहाँ पे भी गाइज़ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी, और वो मूर्तियाँ आपको अभी देखने को मिलेंगी। और नीचे देखो गाइज़ यहाँ पे पानी था, और जैसे पत्थर सीढ़ियों में लगे हुए थे वैसे ही पत्थर यहाँ पे भी लगे हुए थे, और बाकी पानी था, बाकी लाइटिंग ऑफ थी, एंड यहाँ पे भी साउंड चल रहे थे तो इसलिए मुझे ये बंद करना पड़ा। एंड बाकी अब मूर्तियाँ आएंगी, आप लोग फिर देखना गाइस। यहाँ से पहली मूर्ति आना स्टार्ट हुई, जो पहली सबसे पहली गणेश जी की मूर्ति थी, और बाकी ये बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सारी बनाई हुई थी, सारी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर ये गाइस देखो, और सामने ना फिर मतलब ये थे, और उसके बाद ये देखो गाइस, ये हम दोनों पानी उछालते हुए जा रहे थे। और गाइस मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ हैं ना, और उसके बाद साइड में ना गाइस पोस्टर लगा हुआ था जहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ सकते थे, नाम मेंशन था, वो देखो आप सिल्वर सा। हाँ ये रहा ना गाइस शैलपुत्री, यहाँ पीछे थी उनकी तस्वीर, और ये बाकी ऐसे ना जितनी मूर्तियाँ वहाँ पे थी ना गाइस सबका ऐसे ही लिखा हुआ था, ताकि जिसको नॉलेज ना हो तो वो वहाँ पे पढ़ सकता था उसके बारे में। तो देखो गाइस बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर कलर भी किए गए थे इसमें, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये। और गाइस हम जब इसमें गुफा में हमने एंट्री करी थी तो भी यहाँ पे बहुत ऐसे ही सेम बनी हुई थी, और ऐसे ही पत्थर स्ट्रक्चर इसके भी ऐसे ही थे, और फिर मूर्तियाँ ऐसी बनी हुई थी, और पानी था। और फिर थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा देर आगे चल के फिर गाइस यहाँ पे इसे हम बाहर निकल गए थे, और फिर बाहर से हमें ऐसी ही सेम थी, हमें फिर उसके अंदर से जाना था, और उसमें भी मूर्तियाँ बनी हुई थी। अब ये गाइस सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना हम, तो सीढ़ियाँ चढ़ के हम दोनों बाहर निकल गए थे, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ी जगह सी थी, एंड उसके बाद थोड़ा सा चल के दूसरी गुफा आ जाती थी जिसमें से हम लोग बाहर निकलते थे। ये आने वाली थी और दूसरी साइड जो थी वो जाने वाली थी, बट उसका स्ट्रक्चर भी सेम इसी टाइप का बना हुआ था, बहुत अच्छा था दोनों, उसमें भी पानी और लाइटिंग ऐसे ही थी। और अब यहाँ से मैं निकल गई थी बाहर, एंड इसके बाद
वापस जाने का रास्ता ये नहीं था, ये बस यहाँ आने का था। एंड फिर यहाँ से आगे जाके और ये मूर्ति के जस्ट नीचे ये गुफा बनी हुई थी, ऊपर माँ वैष्णो देवी की इतनी बड़ी मूर्ति थी, ये तो आपने ब्लॉग में देखी होगी। बाकी थोड़ा सा स्पेस था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी गाइस खुशों में। एंड वो जो लोग जा रहे हैं वो यहाँ से गोल चक्कर घूम के जा रहे थे, तो हम लोग भी फिर यहाँ से सेकंड गुफा की तरफ गए थे। और गाइज यहाँ पे ये जंगल बना हुआ था, मतलब बहुत बड़ा एरिया था, ये पूरे साइड जंगल था और वो सामने एक मंदिर था, बट क्या नाम है उसका वो मुझे नहीं पता। ये जंगल था और जंगल के बीच में ये बहुत बड़ा सा मंदिर बना हुआ था, और पीछे भी कुछ बन रहा था बट क्या बन रहा है वो पता नहीं। अब गाइज ये था बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट के लिए हमें यहाँ से जाना था, तो वहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के जाना था, बट ये बना बिल्कुल सेम उसके जैसे ही था। यहाँ से यहाँ पे भी पानी गिर रहा था और वैसे ही सीढ़ियाँ थी, और फिर जब हम नीचे उतर गए थे तो यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई थी जो आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगी। सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो गाइस देखो, और तो ऐसा नहीं कि सेम थी, डिफरेंट थी। जो वहाँ पहले जिस गुफा से हमने एंट्री करी थी उस गुफा में दूसरी थी, और इस वाली गुफा में दूसरी मूर्तियाँ बनी हुई थी। और गाइस जिसने भी ये मूर्तियाँ बनाई ना सूरज को, उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था सब कुछ। मतलब हम जितने मंदिरों में भी गए, हम एक दिन में 6 मंदिर घूमे थे, और 6 के 6 मंदिरों को हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। एंड ये यहाँ पे उनका नाम था, बट लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। बाकी ऐसे ही यहाँ पे ये मंदिर था, और सबके मूर्तियों के आगे सभी का था। यहाँ पे हमें ईश्वर जी मिल गए थे, फिर यहाँ से हम गए बाहर, ये स्टेयर्स चढ़ के हम बाहर आ जाते हैं गाइस। तो हम आ गए बाहर, और इसके बाद ये भी हमको मिल गए, हाँ बस इसके बाद ये गुफा थी, और फिर ये गुफा ख़त्म हो गई थी गाइस। एंड फिर हम लोग बाहर निकल गए थे, मतलब एंट्री हम लोग तो पैर दर्द हो गया यार ना, दूसरी साइड से, और एग्जिट यहाँ से था, और वो सामने पर बाहर, फाइनली हम बाहर आ गए गाइज। तो यहाँ से हम एग्जिट कर रहे थे, बट यहाँ पे भी गाइज मतलब इस पूरे माँ वैष्णो देवी के मंदिर में इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी ना गाइज, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे हमें प्रसाद मिला था, और गाइज अब ये देखो, मैंने पुनीत का प्रसाद ले लिया था क्योंकि ये खा लेता, मैंने कहा एक पैकेट खोल के सब खा लेंगे और बाकी हम घर ले जाएंगे, तो वो प्रसाद मैंने रख लिया था। और यहाँ से फिर हम लोगों ने बाहर हम लोग चले गए थे, हम लोग आगे बाहर, और निशी को खाने चने चने खाती रहती है भाई साहब, ये तो पहले भी इसने खा लिए। क्या कह रही है दोबारा बोलना, क्या कह रही है बोल, अब क्या कह रही है, ये अच्छी लग रही है क्या? नहीं तू खा ले, मैं नहीं खा रहा। तो भाई ये कम से कम 2 घंटे से बोल रही थी मेरे को लस्सी दे दो, लस्सी पिला दो, इसने अब जाके लस्सी लिया। कह रही है बीवी घर जाती है तो लस्सी पी के जाऊँगी, पता नहीं कितनी लस्सी चाहिए थी भाई, सो रही बादल कितने प्यारे हो रहे हैं। गाइस हम आ गए थे घर, और देखो मैं यहाँ से दिख रहा हूँ। तो गाइस हम आ गए थे घर, और इस वाले ब्लॉग का करते यहीं एंड। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।